नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में कई लोगों ने एलडीए का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में सृष्टि, सरगम, स्मृति, जर्नेश्वर, पारिजात और सुलभ आवास के सैकड़ों आवंटी शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल हुए सरगम अपार्टमेंट के आवंटी प्रभाकर मणि त्रिपाठी ने एलडीए पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि अपार्टमेंट में बिजली, महिलाओं की सुरक्षा और पार्क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहीं लखनऊ जन कल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष विवेक शर्मा ने विकास प्राधिकरण पर निशाना साधते हुए कहा कि एलडीए ने अपने आवंटियों से वादा खिलाफी की है। देखिए, आपको बता दें, लखनऊ जन कल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष होने के नाते लगातार 4 साल से इस मुहिम को जगाए हुए हूँ। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण का भ्रष्टाचार है। जितनी भी ये योजनाएं बनी हैं, ये बहुखंडी योजनाएं हैं, इसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये आज उसकी परिणति है कि लोग परेशान हो रहे हैं। लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उसको पुतला तक फूंकना पड़ रहा है। ये देश और प्रदेश के लिए बड़े शर्मनाक विषय है। और इस समय पर हमारे जो यहाँ के माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, लगातार उनसे गुहार लगा रहा हूँ कि ये परिणति ना होने दें। अभी देखिए, आलिया अपार्टमेंट जो गिरा है, उसमें भी यही सब कमियाँ थी। लेकिन यहाँ के लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अभियंता हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, ये लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि इनको कुछ सुझाई और सुनाई नहीं दे रहा है। सर, ये सरगम अपार्टमेंट है, एलडीए के द्वारा बनाया गया एक अपार्टमेंट, और बगल में आप देख रहे हैं स्मृति, सृष्टि, ये सारे अपार्टमेंट हैं। अपार्टमेंट के अंदर आज जो दुर्व्यवस्थाएं हैं और एलडीए की जो उदासीनता है, अकर्मण्यता है, उसके विरोध में सभी नागरिक यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम अपनी आवाज़ और अपनी मांगे इन दोनों एलडीए तक पहुँचाना चाहते हैं। इसके लिए हम ये विरोध प्रदर्शन करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण तो नाम आपने सुना ही होगा, सबसे बड़ा प्राधिकरण है। लखनऊ में विकास का सबसे बड़ा रास्ता लखनऊ का विकास प्राधिकरण की तरफ से खुलता है और लखनऊ विकास प्राधिकरण ही कहीं ना कहीं योजनाओं का विस्तार करता है। आज हम लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित सरगम अपार्टमेंट के सामने खड़े हैं, जहां पर बहुमंजिला इमारत बनी है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये बहुमंजिला इमारत है यहाँ पर, और यहाँ पर सैकड़ों लोग निवास करते रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्याओं का खामियाजा लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण की उदासीनता के कारण भुगत रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुर्दाबाद के नारे आज यहाँ पर लगाए गए हैं। समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर यह आ रही है कि इनकी मांगे हैं, कुछ इनकी समस्याएं हैं, जैसे सीपत की समस्या है और सुरक्षा को लेकर के जो समस्याएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग अपना विरोध दर्ज कराए हैं। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं जो यहाँ के निवासी हैं, उनसे हम जानकारी करना चाहेंगे आखिर क्या समस्या ऐसी उत्पन्न हो गई जो इतने लोगों को इकट्ठा होना पड़ा और विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। मैं समर विजय सिंह, पारिजात अपार्टमेंट है फैजाबाद रोड पर। ये 2012 की योजना है और जिसमें 2014 में कब्जा दिया जाना था। वहाँ भी RWE का गठन नहीं हुआ है, वहाँ पर एक वेलफेयर सोसाइटी हम लोगों ने अपने आवंटी हितों के लिए बनाई, जिसका मैं सचिव हूँ। सारे प्राधिकरण के जितने भी द्वारा विकसित की हुई आवासीय योजनाएं हैं, सबकी समस्याएं वही हैं कि गुणवत्ता विहीन निर्माण, अघोषित विलंब और लिफ्ट लीकेज, सीपेज, पानी की समस्या, इस तरह की ऐसी समस्या है जो अभी हमारे अन्य साथियों ने और अपार्टमेंट के लोगों ने बताई, लगभग वही समस्या है। इनके विवरण पुस्तिका में जो भी इन्होंने वायदे किए हैं, वो वायदे वो पूरी तरह से उसको पूर्ण करने में ये विफल हैं। और जो लोगों को एक थोड़ी सी उम्मीद रेरा से जगी थी 2017 में, वो भी पूर्णतः फेल है। और मुझे लगता है परोक्ष रूप से ये सरकार को कहीं ना कहीं इस तरह की योजनाओं को, जिन्होंने इस रूप में हम लोगों को आज लाके खड़ा किया है, उसको ये परोक्ष रूप से ये संबल देने का काम कर रहे हैं। यक्ष प्रश्न आज ये खड़ा होता है मेरा, हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं हैं, हम उस दूषित व्यवस्था के विरोध में हैं। क्या विकास का नाम, क्या आदमी गिरा देना, बिल्डिंग गिरा देना विकास है? अगर ये है तो विकास प्राधिकरण कहाँ है? विकास प्राधिकरण ने आज तक, आज लेवाना, याजदान, जितनी भी समस्याएं आज परिसर में, पूरे लखनऊ में अगर आपको दिख रही हैं, अवैध निर्माण से लेके तमाम बिल्डिंग की समस्याओं, उसके कहीं ना कहीं जनक जो है प्राधिकरण है। और इसमें ऊपर से लेके नीचे तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो VC हो, सचिव हो, अपर सचिव हो, उप सचिव हो, OSD हो, अभियंता हो, सब एक ही पाठशाला के पढ़े हुए हैं। मैं इस व्यवस्था का विरोध करता हूं
और आवंटी हित के लिए आज हम सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं। मैं सारे आवंटियों को नमन करता हूं और हमें इसके विरोध में एक तीखा विरोध प्रदर्शित करने की अगर आवश्यकता होगी तो मैं पूर्ण रूप से इन सबके साथ में रहूंगा। तो ये आपने देखा यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण से परेशान लोग कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं का विरोध दर्ज करा रहे हैं और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस बहुमंजिला इमारत की नींव मजबूत की जा सके जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर देखा जा सकता है तो जो सीपेज की समस्याएं हैं, सीपेज की समस्याओं को लेकर के और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो भी समस्याएं लगातार यहाँ पर चल रही थी उसको लेकर के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ इकट्ठा हैं, वो अपने हाथ में उन्होंने कुछ लिख रखा है, उसमें साफ लिखा हुआ है हमें चाहिए सुंदर पार्क, हमें चाहिए लीकेज से सुरक्षा। तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो करोड़ों रुपया लगा करके, लाखों रुपये लगा करके लोग अपना जीवन की पूरी पूंजी लगा करके कहीं ना कहीं बिल्डिंग में खरीदते हैं, अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं और फिर उन्हें इस समस्याओं का अगर सामना करना पड़े तो कहीं ना कहीं ये दुखद बात होती है। कुछ महिलाएँ हमारे साथ खड़ी हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या समस्याएँ आ रही हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है। देखिए सबसे बड़ी समस्या सीपेज की है, लीकेज की। हमारे घरों में सब पानी बहे जा रहा है, बिल्कुल जैसे ऐसे बह रहा है जैसे किसी ने नल खोल दिया हो। दीवारों से सारा पेंट उखड़े जा रहा है। हम लोगों ने इतना पैसा लगा करके उसको इतना सुंदर सुंदर बनाया है अपने हिसाब से और सब पूरा इतना गंदा बिल्कुल उखड़े जा रहा है, गंदगी हो रही है, रोज़ पानी फर्श में गिर रहा है, इतना खराब हालत हो रही है। और टाइल्स सारे टूट रहे हैं, गिर रहे हैं और एक आध तो मेरी काम वाली के पैर पे गिरे हैं। और बताइए मैं क्या बोलूँ। आपको सुंदर पार्क चाहिए, क्या मतलब अभी समस्या है, क्या घर के अंदर जो समस्या आ रही है उसमें क्या दिक्कतें आ रही है? घर के अंदर क्या समस्याएं हैं, ये तो सरगम समस्या का पूरा पुलिंदा है। इसके अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं जो नहीं है, सारी समस्याएं हैं। जैसे कि सुंदर पार्क, लीपेज, सीकेज, सबसे बड़ी समस्या लिफ्ट, लाइट की प्रॉब्लम। हम लोग अगर यही प्रॉब्लम थी, हम लोगों से पैसा लिया गया कि हम आपको डीजी मतलब 24 आवर्स आपको लाइट देंगे, उसका पैसा भी अलग से लिया गया लेकिन सुविधा के नाम पे जीरो। आज के समय में ऑटोमेटिक पैनल्स होते हैं, हमारे यहाँ अभी तक वही चल रहे हैं कि जाइए यहाँ से उठाइए तब आपके घरों में लाइट आएगी, वो भी ख़त्म, वो भी ख़राब। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो यहाँ के आवंटी हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली का और पानी लीकेज से लेकर के कहीं ना कहीं ये लगातार समस्याएं बन। कुछ कहना चाह रही हैं फिर बताएं। एलडीए वालों से कहना चाह रही हूँ, अभी हम लोगों ने तो इस समस्या की शुरुआत अपने सरगम के गेट से बाहर से की है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग एलडीए आ करके प्रोटेस्ट करेंगे और सरगम का एक भी फ्लैट अब बिकने नहीं देंगे। इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि हम लोग हमेशा खुद प्रोटेस्ट करेंगे, कहेंगे भैया कि कोई ना खरीदे, सरगम में एक भी फ्लैट मत लो, क्योंकि मनमाना पैसा भी ले रहे हैं पर सुविधाओं के नाम पे जीरो। तो कहीं ना कहीं इनका ये जो विरोध करना है वो साफ तौर पर ये सही बात है कि जब आखिर इतना आदमी रुपया लगा करके, पैसा लगा करके, पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई लगा कर अगर वो अपना आशियाना बनाता है, अपना घर बनाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी तो कहीं ना कहीं ये समस्या का सबब होगा। फिलहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण की उदासीनता के चलते यहाँ पर पुतला भी जलाया गया है लखनऊ विकास प्राधिकरण का। इस जगह पे अभी पुतला भी दहन किया गया है, सरगम अपार्टमेंट के निवासियों की तरफ से यहाँ पे पुतला भी दहन किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये विरोध जताने का एक तरीका था, यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया है, क्योंकि जो भी समस्याएँ हैं वो अधिकारी कहीं ना कहीं उसकी सुध नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।